हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगुकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि ट्विन्स प्रेगनेंसी। काफ़ी बार हमने देखा है कि कोई भी महिला है जिसको ट्विन्स प्रेगनेंसी रहती है, और इन केस एक जो फीटस है उसके जो धड़कन है, उसकी जो कार्डियक एक्टिविटी है, वो जब भी चली जाती है तो महिला बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि सिंगल फीटल डिमाइस इन द ट्विन्स प्रेगनेंसी। सो फ्रेंड्स, पहले तो हम जानते हैं कि इसका इंसिडेंस क्या होता है। जैसे जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी कि फर्स्ट सिंगलटन प्रेगनेंसी है, तो डिमाइस के जो रिस्क होता है वह डबल यानी कि ट्विन्स प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट अप टू 5%। अगर ट्रिपलेट्स है तो यह जो रिस्क होता है फीटल डिमाइस का वह और ज़्यादा बढ़ जाता है सिंगल फीटल डिमाइस का। सो आगे हम बढ़ते हैं कि यह सिंगल फीटल डिमाइस होने के रीजंस क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ट्विन्स प्रेगनेंसी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक जो होती है डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन्स, यानी कि यह जो ट्विन्स है उसका जो सैक रहता है वह डिफरेंट रहता है, और मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, जिसमें जो एमनियोटिक सैक रहता है वह सिंगल होता है। जो डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है उसमें जो प्लेसेंटा होते हैं वह सेपरेट होते हैं, और मोनोकोरियोनिक जो ट्विन्स होते हैं उसमें सिंगल प्लेसेंटा होते हैं, और उसी में से दोनों ट्विन्स बेबीज़ जो रहते हैं वह डेवलप होते हैं। सो यह जो सिंगल डिमाइस का जो रिस्क होता है वह मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स में ज़्यादा होते हैं। दूसरा कि अगर महिला में कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि महिला की उम्र ज़्यादा है, जो मदर है उसकी एज ज़्यादा है, उसको डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, मैटरनल इन्फेक्शंस है, या तो मदर को कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से फीटल डिमाइस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो रहता है कि फीटल फैक्टर्स, यानी कि मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स है, इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यह जो सिंड्रोम है वह भी मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स में ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है कि अगर बच्चे की जो वेन्स वगैरह है, आर्टरीज़ वगैरह है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, या तो कोई वेरिएंट ऑफ द प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में कोई इन्फेक्शंस अगर है, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है, तो यह सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं सिंगल फीटल डिमाइस ड्यूरिंग ट्विन्स प्रेगनेंसी। दूसरा जो हम देखते हैं कि फीटल रिडक्शन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है और जो फैमिली मेम्बर्स या तो जो मदर है उनकी इच्छा है कि उनको सिंगल बच्चा ही चाहिए, तभी फीटल रिडक्शन होता है, दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो ऐसे केसेस में भी फीटल डिमाइस होता है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है जो कॉमनली पूछा जाता है कि मैम, फॉर एग्ज़ाम्पल फीटल रिडक्शन होता है तो क्या दूसरे बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना, या तो ट्विन्स, जैसे हमने पहला जो डेटिंग स्कैन करते हैं उसमें ट्विन्स है, और मे बी आफ्टर 3 मंथ्स या 3.5 मंथ्स देखते हैं कि अभी एक बच्चा जो है वह अच्छे से ग्रो कर रहा है और दूसरे बच्चे की जो हार्ट बीट है वह बंद हो गई है। तो फ्रेंड्स, यह समय पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक प्रेगनेंसी है तो। लेकिन अगर मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक है तो ऐसे केसेस में प्रॉपर विजिलेंस बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट का फॉलोअप किया जाता है, और जनरली मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक है तो दूसरे बच्चे पे उसका असर पड़ सकता है, दूसरे बच्चे में भी फीटल डिमाइस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक है तो दूसरे बच्चे के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि अगर ऐसा हो जाता है
मोनोकोरियोनिक है, तो जैसे मैंने समझा दिया कि उसको अगर दोनों बच्चे के हार्ट बीट चले जाते हैं तो उसको टर्मिनेशन ही करना पड़ता है। लेकिन यदि डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक ट्विन्स है जिसमें सिंगल फीटल डिमाइज होने की वजह से कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम फिर दूसरा जो बच्चा है उसको क्यूरेटिंग करके निकालना पड़ेगा या क्या करना होगा? सो यहाँ पे मेरा जवाब है कि जब भी ऐसा होता है तभी जो बच्चा जो है जिसकी धड़कन चली गई है उसको हम वैनिशिंग ट्विन कहते हैं, यानी वह एकदम पेपर जैसा थिन लेयर हो जाता है। और जब भी आपका जो बच्चा लाइव है उसकी डिलीवरी होती है वह समय पे वह जो थिन पेपरी लाइक टिश्यू जो रहता है वह साथ में ही निकलता है। यह जो बच्चा है उसको अलग से अपने को निकालना नहीं होता है, क्योंकि जो हेल्दी बच्चा है जो लाइव प्रेगनेंसी है उसको अपने को नहीं छेड़ना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्टर्ब भी होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है वह अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो हेल्दी नहीं था या तो फॉर एनी रीज़न कि फिटल रिडक्शन वगैरह हुआ है, सो उसके लिए आपको बेझिझक आपका जो हेल्दी प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करना है। अभी आता है कि इसमें मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सो मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, मोनोकोरियोनिक है और अगर दोनों बच्चे का डिमाइस हो जाता है उसको टर्मिनेट ही करना है। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम जो काफ़ी बार हम देखते हैं, तो ऐसे केसेस में फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो रहते हैं उनकी राय ली जाती है और उनकी मदद से काफ़ी सारी ट्रीटमेंट जो होती है जो इन यूट्रो कर सकते हैं, जैसे कि लेज़र कोएगुलेशन करके जो ट्रीटमेंट होता है वह ट्रीटमेंट करके इसके जो चांसेस रहते हैं ऑन एन एवरेज अराउंड 60% चांसेस रहते हैं अबॉर्शन के, 30-40% चांसेस होते हैं कि दोनों बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। तो यदि कोई पेशेंट है, पेशेंट को हमारे ऑर्किड हॉस्पिटल से हमेशा ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर कोई पेशेंट आता है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का, तो सारे ऑप्शन उनके साथ डिस्कस किए जाते हैं और उसके बाद जो भी पेशेंट ऑप्ट करता है वह हिसाब से आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन्स है और एक जो फीटस है उसका डिमाइस हो गया है, तो दूसरा जो बच्चा है उसका रेगुलर जो एंटीनेटल चेकअप होता है वह हिसाब से मॉनिटरिंग होता है। हालांकि अगर कोई मैटरनल और फीटल रीजंस जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं, स्पेसिफिक कोई रीज़न है जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह है, थायराइड रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसको कंट्रोल करना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो भी पेशेंट टू पेशेंट जो प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता होती है वह हिसाब से उनको समझाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके नियर डियर में अगर किसी को ट्विन्स प्रेगनेंसी है और उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि एक बच्चे की धड़कन चली जाती है, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप यह वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, उनके कोई भी क्वेरीज़ रहेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड तो उनको अवश्य बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवालों के जवाब हम आपको दे पाए। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।